अच्छा लगा इस बार, सबसे अच्छा हुआ है हमारी सरकार ने जो बालू बिछाया गया है वो बहुत बढ़िया बिछाया है, और कल से शुरुआत है, देखने आए हैं, सारा तैयारी है, कोई परेशानी हम लोग नहीं होने देंगे। इसी से आपके साथ में थे, निरीक्षण किए और जो जहाँ भी कमी कुछ है उसको भी हम लोग पूरा करें। स्थानीय दुकानदार लोग बोल रहे थे कि इस बार जो पूर्व की भांति जो तरह यहाँ था वैसे ही चलेगा, उसमें कोई फेरबदल। शिविर वालों से भी पैसा सुनने का बात हो रही है, नगर निगम के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि शिविर लगाएंगे, चाहे निःशुल्क हो या दुकानदार हो, उनसे टैक्स लिया जाए, सभी से पैसा नहीं, कोई टैक्स नहीं लिया जो पूर्व के नियम है, जो नियम पूर्व से लगा हुआ है वही नियम बाबा मंदिर में लगेगा, बाबा के पास दूसरा कोई नया नियम नहीं लगेगा। तो मंत्री जी, है जो चर्चा में है कि शिविर वाले निःशुल्क कंवरिया शिविर वालों से टैक्स वसूला जाएगा, क्या यह वही तो हम बोल रहे हैं जी, जो पूर्व की भांति जो इस तरह चल रहा है, बाबा सेवा जिस तरह हो रहा है उसी तरह से, मतलब उनसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अच्छा, आज जमीन का शिविर का इस साल भी कर रहे हैं, करेंगे, और इस बार हम मलमास भी लग गया है तो उसके चलते एक महीना ज़्यादा पड़ गया है, फिर भी हम लोग कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कंवरिया को सेवा करने में, सारा व्यवस्था रहेगा। एक महीना जो जिसमें कम कंवरिया आएंगे, बम आएंगे, तो मेरा शिविर दो महीना तक यहाँ चालू रहेगा। एक महीना और लंबा है, हम लोगों ने सोचा है और खाना है बाबा का आशीर्वाद रहे, तो दो महीना लगातार हम चलाने का प्रयास करेंगे और सहयोग हमें प्राप्त होगा।